नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, मैं कुछ कलेक्शन किया, कुछ पैकेट्स का, नोट्स का, कॉइन्स का, वही दिखाएगा आपको आज के वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये, आप देख सकते हैं 1000 रुपये का एलिफेंट वाला नोट है। बिग नोट है मेरा, मतलब कि इतना बड़ा हाथ होने के बावजूद भी ये नोट ऐसे आ रहा है अंगूठे और उंगली के बीच में। तो बहुत ही बड़ा नोट है, हाथ को फैलाना पड़ रहा है इस नोट को पकड़ने के लिए। तो मुझे नहीं पता उस टाइम कैसे लोगों इस नोट को पकड़ते थे, कैसे कैरी करते थे, पता नहीं। हो सकता पर्स, बड़े बड़े पर्स होते होंगे उस टाइम पे, तब तो ये नोट डाला करते थे। या आम पब्लिक में वो तो नोट मिलते ही नहीं, वो बड़े बड़े जो हाई क्लास के जो लोग होते थे, ये रिच लोग होते थे, उन्हीं का नोट होते होंगे शायद ये वाले। तो ये 1000 रुपये का नोट है, उस पर जो सिग्नेचर NC सेन गुप्ता की आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये नोट बॉम्बे का है। तो सब देख सकते हैं यहाँ पे शो का भी लगा सिंबल है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है। 1000 रुपये, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और देख सकते हैं बैक साइड में टेम्पल का यहाँ फोटो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RBI का लोगो है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज 1000 रुपये लिखा हुआ है, 1000 रुपये। तो अगर आपको ये वाला नोट चाहिए, ये कंडीशन इस नोट का देख सकते हो, फाइन कंडीशन का नोट है ये वाला, देख सकते हैं कंडीशन आपके सामने ही है। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा 24,000 रुपये में। कंडीशन देख सकते हो आपको नोट को, मैं और आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों, पैकेट्स का कलेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉइन्स का कलेक्शन दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में ये 1 रुपए के कॉइन्स है। ये जो कॉइन्स है वो है विक्टोरिया क्वीन के, डिवाइडेड लेजेंड कॉइन्स है ये 1 रुपए के। 1 रुपये 1840 का कॉइन है ये वाला। तो ये कॉइन दोस्तों आपको मिल जाएगा, कॉइन मिल जाएगा 1300 रुपये में। दोस्तों कुछ कॉइन क्लीन की है, कुछ कॉइन ऐसे सेम है एज यूजल, बट मोस्टली कॉइन क्लीन किए हुए है। तो जैसे कि कॉइन्स में जो रस्ट लग जाता है वो फिर नहीं लगता है, इसलिए। और कॉइन्स का कंडीशन भी बचा रहता है। तो ये आपको एक कॉइन चाहिए तो ये कॉइन आपको मिल जाएगा 1300 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का पैकेट है मनमोहन सिंह का, 1976 का। तो ये सीरियल नंबर है, ये शो को लगा यहाँ वाटर मार रहता है, ये कॉइन का फोटो बना हुआ है 1976 का। तो ये पैकेट आपको मिल जाएगा 2000 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का IG पटेल का पैकेट है 1971 का, और ये पैकेट आपको मिल जाएगा 2000 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का पैकेट है मनमोहन सिंह का, ये पैकेट मिल जाएगा 2000 रुपये में, 1978 का पैकेट है। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का पैकेट है MG कोल का, 1975 का। तो ये पैकेट आपको मिल जाएगा 1900 रुपये में। या किसी के सिग्नेचर कितने किए हुए हैं ये नहीं पता, किसके सिग्नेचर है ये, आई थिंक कोई जैन नाम से कोई सिग्नेचर किसने किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का पैकेट है MG कोल का, तो ये पैकेट मिल जाएगा 1900 रुपये में, 1975 का पैकेट है ये। उसके बाद दोस्तों, ये भी 1 रुपये का पैकेट है MG कोल का, 1974 का, ये मिल जाएगा 1900 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का पैकेट MG कोल का, ये भी मिल जाएगा 1900 रुपये में, 1973 का। 1 रुपये का पैकेट है MG कोल का, ये मिल जाएगा 2000 रुपये में, 1974 का पैकेट है ये। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का पैकेट आपका आ गया RN मल्होत्रा का, ये मिल जाएगा 2000 रुपये में, 1980 का पैकेट है ये। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का पैकेट है MG कोल का, ये मिल जाएगा 2000 रुपये में, 1975 का पैकेट है ये। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का RN मल्होत्रा का पैकेट है, 1980 का, बड़ी सिक्के का, ये मिल जाएगा 2000 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का पैकेट है मनमोहन सिंह का, ये मिल जाएगा 2100 रुपये में, डबलिंग नंबर भी रहेगा इसमें 568568 वाला। उसके बाद दोस्तों, ये MG कोल का पैकेट है 1976 का, ये मिल जाएगा 2000 रुपये में।
उसके बाद दोस्तों ये पैकेट है एमजी कोल का 1975 का, ये मिल जाएगा आपको 2000 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का मॉन्टिंग सिंह आहूवालिया का पैकेट है 1992 का, और इसमें शायद वाटर मार्क एरर भी होगा, वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। कौन से नोट में? 9 9 9 6 6 में वन नोट और लास्ट नोट, मतलब कि शिफ्टिंग एरर नोट से मेरे ख्याल से ना। अच्छा, ये वाटर मार्क एरर भी है थोड़ा सा, और शिफ्टिंग नोट्स भी है, जैसे कि पैकेट्स आप देखेंगे यहाँ पे होता है सीरियल नंबर, और इसका सीरियल नंबर पीछे पीछे आ गया हुआ है, पीछे आया हुआ है। इसका सीरियल नंबर यहाँ आगे होता है, इसका सीरियल नंबर भी देखिए आगे है, बट इसका सीरियल नंबर पीछे आ गया है, और साथ में सेमी फैंसी नंबर है 9 9 9 6 0 1, और बीच में हो सकता है कि कुछ नोट आपको ये नंबर शिफ्टिंग भी है, और कुछ कुछ में नोट्स में वाटर मार्क एरर भी है। वो मैं आपको ऐसा दिखाने लगूँ तो नोट्स का कंडीशन ख़राब हो सकता है, वो मैं नहीं करना चाहूँगा। तो ये पैकेट आपको मिल जाएगा 2100 रुपये में, तो ये पैकेट मिल जाएगा 2100 रुपये में। उसके बाद दोस्तों उसका पैकेट है ये वाला 7897 एंडिंग 786 वाला, तो ये पैकेट मिल जाएगा आपको 1550 रुपये में। डबलिंग नंबर भी एंडिंग 786 भी है, 7897777 भी है, 7897765 भी है, 89765 बन जाएगा, अगर 9 होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। तो ये पैकेट मिल जाएगा 1550 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये वाला पैकेट है 1 रुपये का, तो ये मिल जाएगा 1981 का पैकेट है, ये पैकेट मिल जाएगा आपको 1300 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का पैकेट है आर एन मल्होत्रा का, ये पैकेट मिल जाएगा 1300 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये भी 1 रुपये का पैकेट है, ये प्रताप किशन कोल का, ये मिल जाएगा 1250 रुपये में 1985 का। उसके ये मॉन्टिंग सिंह आहूवाली का पैकेट आ गया 1982 का, ये मिल जाएगा 1400 रुपये में, मतलब एक पैकेट में 100 नोट होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 1992 का पैकेट है, ये मिल जाएगा 1400 रुपये में। उसके भी 1 रुपये का पैकेट है गोपी के फरोड़ा का, ये मिल जाएगा 1300 रुपये में, 1989 का पैकेट है, ये भी गोपी के अरोड़ा का पैकेट है, ये भी मिल जाएगा 1300 रुपये में 1989 का। ये भी 1 रुपये का पैकेट आर एन लोत्रा का 1981 का, ये मिल जाएगा 1300 रुपये में। ये भी 1 रुपये का पैकेट एस बैंक 1 का, रिवर्स सस्ती की 10 नोट आएगी, ये मिल जाएगा 1300 रुपये में, 1986 का पैकेट है। उसके बाद उससे भी रिवर्स 700 यदि इसमें 10 नोट आएंगे, ये मिल जाएगा बड़े सिक्के का ओल्ड इशू है 1400 रुपये में। ये आपका 1 रुपये का रेयर पैकेट है मॉन्टी सिंह आहूवालिया का 1994 का, बहुत ही कम नोट प्रिंट हुआ है इसलिए इस नोट का वैल्यू, पैकेट का वैल्यू ज़्यादा है, और ये पैकेट आपको इस कंडीशन में अच्छी कंडीशन का पैकेट आप देख सकते हैं, ये पैकेट मिल जाएगा 7300 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का पैकेट है आर एन मल्होत्रा का, ये मिल जाएगा आपको 1981 का पैकेट है 1300 रुपये में। ये भी 1 रुपये का पैकेट है विमल जलन का 1990 का 1300 रुपये में। उसके 1 रुपये का पैकेट है गोपी अरोड़ा का, डबलिंग नंबर है 960901, ये मिल जाएगा 1350 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का पैकेट है ये वाला
आर्यन मल्होत्रा का अच्छा नंबर है, 1300 रुपये में, 1981। 1 रुपये का पैकेट है विमल जलन का, 1300 रुपये में, 1990 का पैकेट है। उसके भी पैकेट आर्यन मल्होत्रा का है, ये मिल जाएगा 1300 रुपये में, 1981 का। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का पैकेट है एस वेंकटी रमन का, ये मिल जाएगा 1250 रुपये में, 1988 का पैकेट है। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का पैकेट है माउंटेन आहूवालिया का, 1981 का, 1350 रुपये में। ये भी 1 रुपये का पैकेट है एस वेंकटी रमन का, डबलिंग नंबर भी आएगा, 902 902, 1300 रुपये में। एक रुपये का पैकेट है प्रताप किशन कोल का, 1300 रुपये में, 1984 का पैकेट है। ये भी 1 रुपये का पैकेट है, रिवर्स आशादी की भी इसमें नोट, एक नोट निकलेगा, 1350 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का पैकेट है 1250 रुपये में, 1985। उसके बाद दोस्तों ये भी 1 रुपये का पैकेट है वेंकटी रमन, एंडिंग 780 पैकेट है, 1987 का पैकेट है, 1350 रुपये में। एक रुपये का पैकेट है एंडिंग 780, डबलिंग नंबर भी है, 1400 रुपये में। उसके बाद दोस्तों आप 2 रुपये का पैकेट का कलेक्शन दिखा रहे हैं, तो दोस्तों 2 रुपये का पैकेट का कलेक्शन है सेटेलाइट वाला, एंडिंग 786, 1450 रुपये में, एंडिंग 786 सेटेलाइट आर एन मल्होत्रा, 1450 रुपये में, एंडिंग 786 1550 रुपये में, डबलिंग नंबर भी है आर एन मल्होत्रा, एंडिंग 786 1450 रुपये में, आर एन मोहता एंडिंग 780 1450 रुपये में, एंडिंग 780 1450 रुपये में। एंडिंग 780 1450 रुपये में, आर एन मोहता एंडिंग 780। एक नोट आएगा महंगा बिकता पैकेट 1500 रुपये में, एक ही नोट की कीमत 300 रुपये तक होती है आई थिंक। एंडिंग 780 1500 रुपये में, डबलिंग नंबर तो नहीं है इसमें, 698768 आएगा, ऐसा नंबर आएगा। उसके बाद दोस्तों ये 2 रुपये के पैकेट आ जाएंगे आपके टाइगर वाले आर एन मल्होत्रा के, डबलिंग नंबर भी है, 1900 रुपये में। 2 रुपये का पैकेट आर एन मल्होत्रा 1900 रुपये में। 2 रुपये का पैकेट आई जी पटेल 1850 रुपये में। 2 रुपये का पैकेट आर मॉन्टिंग मनमोहन सिंह 1900 रुपये में। 2 रुपये आई जी पटेल 1800 रुपये में, सिग्नेचर भी आई थिंक 13, डेट पड़ी तो नहीं आ रही, सिग्नेचर है 13 आगे कोई ओल्ड डेट ही लग रही है। आई जी पटेल 1800 रुपये में, या आई जी पटेल 1350 रुपये में सैटेलाइट में। उसके बाद दोस्तों ये पैकेट है 2 रुपये का आर एन मल्होत्रा 1900 रुपये में, कंडीशन देख सकते हो बैक साइड नोट का। उसके बाद दोस्तों 2 रुपये आई जी पटेल 1900 रुपये में, आई जी पटेल 2 रुपये आई जी पटेल नहीं, मनमोहन सिंह 1850 रुपये में, 2 रुपये मनमोहन सिंह 2000 रुपये में। इसमें है एरर भी होगा मेरे ख्याल से, मैड एरर नोट है ये,
लिखी हुआ है, देखना पड़ेगा दोस्तों। बंडल तो खोल के मैंने रख दिया, बट मेरे को कुछ एरर जैसा नज़र तो नहीं आया है। RBI जरूर दिख रहा है मेरे को, यहाँ RBI लिखा हुआ है, ये तो नज़र आ रहा है मेरे को, नोटों में RBI नज़र आ रहा है। ऐसे करने में करने 2 रुपये भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, समझ आ गई। रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ पे ना 2 आपको दिखाई शायद नहीं दिया दिया होगा, कोशिश करता हूँ कि दिख जाए आपको भी। मतलब यहाँ पे RBI दिखाई दे रहा है और यहाँ 2 रुपये दिखाई दे रहा है मेरे को नोटों में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ ना अभी, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा वीडियो में, बट मेरे को ज़रूर RBI और 2 रुपये दिखाई दे रहा है। अच्छा ये मैड एरर, ठीक है। हाँ बिल्कुल है जी एरर दोस्तों। अभी ये वाला पैकेट भी खोल के देखता हूँ यार कि इसमें भी एरर है या मुझे उसी में दिखाई दिया। देखना चाहिए, मज़ा आता है देखने में भी। इसमें वैसा एरर नहीं है, देखते इसी नहीं। RBI दिखाई दे रहा है, RBI दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा RBI, यहाँ RBI लिखा हुआ। कुछ होता है नोट्स के बीच में ना, कुछ चीज़ होती है यहाँ, बट उस पैकेट में ज़्यादा था। इसमें भी है बट कुछ कुछ नोट्स में दिखाई दे रहा है मेरे को, बट उस नोट्स में ज़्यादा एरर दिखाई दे रहा है, जो मैटर एरर की बात जो हो रही है उसमें ज़्यादा है। इसमें वैसा नहीं है, है बट दिखाई वैसा रिफ्लेक्शन दे रहा है, बट इसमें ज़्यादा था। उसके बाद दोस्तों ये मिल जाएगा पैकेट RR मल्होत्रा का 1800 रुपये में, ये 2 रुपये का पैकेट है 1900 रुपये में। आईजी पटेल 2 रुपये का पैकेट, आईजी पटेल का 1900 रुपये में, 2 रुपये का एस जगन्नाथन का पैकेट है 3200 रुपये में, रेयर पैकेट है एस जगन्नाथन 2 रुपये, एस जगन्नाथन 3200 रुपये में 2 रुपये, एस जगन्नाथन 3200 रुपये में रेयर पैकेट है 2 रुपये, एस जगन्नाथन 3200 रुपये में 2 रुपये, एस जगन्नाथन 3250 रुपये में। उसके बाद दोस्तों 5 रुपये का पैकेट है मनमोहन सिंह का, ट्रैक्टर वाला, 100 नोट होते हैं पैकेट में, तो ये मिल जाएगा 1280 रुपये में। ये भी पैकेट है RR मल्होत्रा का 1050 रुपये में, ये भी RR मल्होत्रा का पैकेट है 1050 रुपये में। 1 रुपये का RR मल्होत्रा का पैकेट है, 420 भी है साथ में, वो देख लीजिए एक बार, 420 आल पैकेट में 1400 रुपये में स्टार्टिंग का, अच्छा पैकेट और रिजनेबल प्राइस। ये IG पटेल का 1300 रुपये में, ये थोड़ा पैकेट आप कह सकते हैं थोड़ा मुड़ा कंडीशन सकते हैं, इस टाइप में एस बन गया थोड़ा पैकेट है, पैकेट बढ़िया है बट एस कंडीशन का बन गया ऐसे, तो यहाँ पे दब लगी हुई थोड़ा ऊंचा ऊपर हुआ है, ऐसा पैकेट बन गया। ये मिल जाएगा 1300 रुपये में IG पटेल का। उसके बाद ये 5 रुपये का IG पटेल, एंडिंग 780, बर्थडे नोट, बर्थडे पैकेट है, 25 डेट आ गई, 07 मंथ आ गया और ईयर 0100 आ गया, 1350 रुपये में बर्थडे पैकेट। उसके बाद ये भी 5 रुपये का पैकेट है, डबलिंग भी है, एंडिंग 786 भी है, ये मिल जाएगा 1250 रुपये में, विमल जलन का। उसका ये एंडिंग 786 पैकेट आ गया 1000 रुपये में, डी सबर आओ 5 रुपये, RR मल्होत्रा 1050 रुपये में 5 रुपये, RR मल्होत्रा 1050 रुपये में 5 रुपये, विमल जलन 1100 रुपये में
अच्छा पैकेट आई भी इसमें, उसके बाद दोस्तों 5 रुपये आर एन मल्होत्रा 1050 रुपये में। उसके बाद 5 रुपये का पैकेट आर एन मल्होत्रा 1050 रुपये में। एक पैकेट में 2 नल होते हैं। 5 रुपये का पैकेट विमल जलन का 541 सेंटर में 1150 रुपये में। उसके बाद 20 रुपये का स्टार पक का पैकेट है, ये मिल जाएगा आपको 3000 रुपये में। नोट देख सकते हैं क्या होता है कि ये थोड़े कहते सख्त स्ट्रिप बांधी जाती है ना, तो नोट थोड़ा मुड़ जाता है यहाँ से पीछे से ही। ये 02F पर फिक्स है, ईयर है 2020। ये मिल जाएगा आपको 3000 रुपये में। सेम पैकेट का रिम है 3000 रुपये में, स्टार पैकेट है 02F पर फिक्स है। उसके भी स्टार पैकेट है 2020 का 3200 रुपये में। तो आप में 541 के नोट भी बीच में सेंटर के आएंगे। उसके एंडिंग 786 वाला पैकेट है 4000 रुपये में। 2019 का पैकेट है 30B पर फिक्स का स्टार पैकेट। उसके बाद उसे 50 रुपये का 501 वाला पैकेट, 100 पैकेट का सुपर फैंसी पैकेट है ये, 1 से लेकर 100 तक के नोट है। तो ये आप मिल जाएगा पैकेट 8000 रुपये में। ये आपका एंडिंग 786 का पैकेट है, स्टार में 0CH पर फिक्स है। एंडिंग 786 वाला नोट भी इसमें स्टार का निकलेगा, 100 नोट का स्टार का पैकेट है। ये मिल जाएगा 7100 रुपये में। ये 50 रुपये का पैकेट है स्टार का, 0FA पर फिक्स का। ये मिल जाएगा 2020 का ये पैकेट है, ये मिल जाएगा आपको 6000 रुपये में। ये भी 50 रुपये का पैकेट है 6000 रुपये में, 0CH पर फिक्स का नोट है। ये 2018 का पैकेट है ये। उसके 2CC स्टार का पैकेट है, 2018 का पैकेट है ये 1800 रुपये में। रिवर्स आ सकते का नोट भी निकलेगा। उसके बाद दोस्तों ये 10 रुपये का पैकेट आ गया आपका स्टार का, ओल्ड इशू में रघुराम रंजन का 02F पर फिक्स का, 2014 का पैकेट है 3200 रुपये में। ये भी 02F पर फिक्स का पैकेट है, ये मिल जाएगा 3200 रुपये में रघुराम रंजन। ये भी रघुराम रंजन का स्टार पैकेट है फिक्स, 01F पर फिक्स का 3200 रुपये में। जे बी रघुराम रंजन का पैकेट है 3200 रुपये में स्टार पैकेट। उसके भी 10 रुपये का स्टार पैकेट है 01F पर फिक्स का रघुराम रंजन का 3200 रुपये में। उसके बाद 10 रुपये शालीमार पैकेट आ गया एस वेंकटरमन 1750 रुपये में। 10 रुपये का शालीमार सी रंजन 2000 रुपये में, एंडिंग 780 पैकेट है ये। 10 रुपये का सी रंगरंजन 1850 रुपये में। 10 रुपये का सी रंगरंजन 1800 रुपये में। 10 रुपये का सी रंगरंजन 1800 रुपये में। 10 रुपये का ये वाला नोट है बोर्ड वाला आर एन लोत्रा का पैकेट है, ये मिलेगा 4100 रुपीज में। उसके बाद दोस्तों ये 1 रुपये का सेट है ये, तो इस ये सेट आपको मिल जाएगा 7300 रुपये में। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सिग्नेचर नोट सब है, तो इसमें सारे जितने भी नोट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर के, फाइनेंस सेक्रेटरी के, जो भी है, तो ये सेट आपको मिल जाएगा 7300 रुपये में। बट इसमें 3 नोट महंगे मिसिंग है, और ये 2019 का सेट है। 3 नोट कौन से मिसिंग है? A1 मिसिंग है, A10 मिसिंग है, और A14 मिसिंग है। 3 नोट इसमें मिसिंग है, क्योंकि वो नोट काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर कंप्लीट सेट लेना हो तो 27 से 28 हज़ार रुपये का सेट बन जाता है, बट वो 3 नोट हमने निकाल दिए, क्योंकि बहुत सारे कलेक्टर इतना महंगा सेट नहीं बाय करते, नहीं अफोर्ड कर पाते, तो इसलिए वो 3 नोट हमने निकाल दिए, जैसे कि हर कोई कलेक्शन कर सके। ये मिल जाएगा 7300 रुपये में।
तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ खोल के, बढ़िया सेट खोलना डालने में ना नोट्स मुड़ जाते हैं तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए आप यकीन करिए आपको बिल्कुल नोट मिलेगा, 3 नोट मिसिंग है और 2019 तक के नोट है। उसके बाद दोस्तों ये 2 रुपये का आपका कंप्लीट सेट आ गया। ये इसमें जितने भी ये नोट बने गवर्नर के सेक्रेटरीज के सब आपको नोट, ये फुल कंप्लीट सेट है। ये सेट आपको मिल जाएगा 12,500 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये 5 रुपये का आपका कंप्लीट सेट है। जितने भी गवर्नर के नोट अभी तक इशू हुए हैं सब आपको इसमें मिलेगी, सेट कंप्लीट सेट है, कोई इसमें नोट मिसिंग नहीं है। जितने भी अभी तक के नोट 5 रुपये के प्रिंट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट इशू के सब मिलेंगे 15,400 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये आपका 10 रुपये का सेट भी आया कलेक्शन में आज, तो ये 10 रुपये का सेट है। और इस सेट में दोस्तों सारे कंप्लीट गवर्नर के नोट मिलेंगे सिवाय 3 नोट छोड़ के, जो है D1 पहला नोट इशू, उसका D2 सेकेंड इशू और D5 3 नोट मिसिंग है। बाकी जितने भी गवर्नर के नोट है सब है इसमें आपको मिलेंगे। और एक मेन चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा सेट के अंदर, वो है इसका एंडिंग नंबर 23। सारे के सारे एंडिंग 23 है इसमें, यहाँ तक कि इस फोफड़े नोट में भी एंडिंग 23 आपको मिलेगा। मैं निकाल के दिखाता आपको, थोड़ा सी दर्शन करा देता। देखिए 23 23 आपको यहाँ मिला है और ये सेट आपको मिल जाएगा 19,000 रुपये में। और इसमें से 2 नोट मिसिंग है, 2 नोट इसमें मिसिंग है। उसके बाद उससे 5 रुपये का ये भी सिग्नेचर सेट है और इसमें 3 नोट मिसिंग है, एक C1 C3 और एक नोट और है वो मिसिंग है शायद से। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा इसमें 2 नोट मिसिंग है 3 नोट मिसिंग है, चेक करना पड़ेगा, कंफर्म करके आपको बताऊंगा। तो वो 2 जो नोट है वो तो पहले फर्स्ट इशू और थर्ड इशू C1 C3 कॉस्टली होते हैं, तो वो नोट तो मिसिंग है। शायद मेरे को चेक करना पड़ेगा एक नोट और मिसिंग है या 2 ही नोट मिसिंग, चेक करके आपको मैं कल बता दूंगा। तो अगर आपको ये वाला सेट चाहिए तो सेट आपको मिल जाएगा 7,300 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों ये आपको 10 रुपये के गांधी कॉइन है, तो आप देख सकते हैं 10 रुपये का गांधी कॉइन है, फाइन कंडीशन का है, तो ये मिल जाएगा 1,300 रुपये में। ये भी 10 रुपये का गांधी कॉइन है, ये मिल जाएगा आपको 1,230 रुपये में। माइनर सा रस्ट लगा हुआ है कॉइन पे, 1,230 रुपये में ये मिल जाएगा, 1,300 रुपये में। यूएनसी नहीं है ये, आप कह लीजिए फाइन टू वेरी फाइन है, ये मिल जाएगा 1,230 रुपये में। और ये भी कॉइन मिल जाएगा 1,230 रुपये में, माइनर सा रस्ट है, येलो येलोइश रस्ट है पैकेट में भी, 1,230 रुपये में। तो दोस्तों आपको आज का कलेक्शन कैसा लगा, मैं उम्मीद आपको बढ़िया से लगा होगा। अगर कलेक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप हमेशा खुश रहिए और कलेक्शन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।